दिवाली है, काफी मजा आ रहा है। तो अभी मैं हूँ फाइनली एम सेलिब्रेटेड पे और घर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो कैसे हो आप लोग? मुझे जाना था 5 बजे ही घर, बज चुका है 6:40, हम सो गए थे। अब करूँ तो क्या करूँ, अभी तो सामान पैक कर रहा हूँ, फिर अभी घर के लिए निकलेंगे दिवाली के लिए। आज तो दिवाली ही है, चलिए आगे मिलते हैं। ताला बंद कर देते हैं यहाँ। मैं कुछ इस तरह बाइक राइड करता हूँ, तो अभी मैं लगाऊंगा इसके अंदर हेलमेट। कुछ इस तरह से हमारा सेटअप हो चुका है रेडी और हम निकल रहे हैं अभी घर के लिए। तो आगे मिलते हैं आपसे, अभी कहाँ पहुंचे हैं तो आपको बताएंगे। आज है दिवाली, हैप्पी दिवाली सबको दोस्तों। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो अभी हम निकले हैं पटना से घर के लिए, तो आज है दिवाली। तो आप लोग बताओ दिवाली में कैसे हो आप लोग? तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:15 और सुबह मुझे निकलना था 5:30 में, बट सोया ही रह गया तो कोई इशू नहीं है। फाइनली 8:30 तक अरवल पहुंच जाएंगे, ट्राई करते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। तो आप लोग ऐसे ही ब्लॉग देखते रहेगा, काफी मजा आने वाला। तो गाइस अभी फाइनली निकला हूँ घर के लिए, तो अभी एम सेलिब्रेटेड पे हूँ, तो यहाँ से निकलते हैं। और आज दिवाली है, काफी मजा आ रहा है, तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए दिवाली में और ब्लॉग को ऐसे ही प्यार देते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर दिए गाइस, ठीक है? ओके, बंद कर लेता हूँ इसे, आता हूँ। गाइस अभी फाइनली निकला हूँ और ठंड पड़ने लगी है, सुबह सुबह बहुत ही ठंड है। तो अभी बज रहा 8 और आप देख सकते हैं ठंड तो अब गिरने लगा है। सब लोग जा रहे हैं छठ पूजा में घर, दिवाली में घर जा रहे हैं, छठ पूजा में घर जा रहे हैं, तो काफी अच्छा लगता है वाइब। ये भैया न्यू बाइक लिए हैं बुलेट, उसी से जा रहे हैं घर। सुबह का अभी ये नज़ारा है। तो मैं अभी फाइनली एम्स से निकला हूँ आगे, तो नौबतपुर आने वाला है। तो गाइज आप लोग सामने देख रहे हो यार, इतना तो पटना में भी ठंडा नहीं है और आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। बताओ कि आपके साइड ऐसा ठंडा हो रहा है क्या? ये तो नौबतपुर से आगे काफी ठंड हो रहा है, कुछ आगे कुछ दिख नहीं रहा है गाइज। और ऐसा मैं सोचा नहीं था कि ऐसा ठंड पड़ेगा और काफी ठंड है इधर, ये कुछ दिख भी नहीं रहा आगे। मुझे लगा कि नॉर्मल ठंडा होगा, कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये तो शिमला होने वाला है क्या इस बार? वाह मजा आ रहा है गाइस। लुक एट व्यू गाइस, फॉग हो चुका है। जो आपको पिछले वाले ब्लॉग में बताया था ना कि यहाँ पे ठंड रहती है, वहीं पे है ये। मैं भी वाव यार, इतनी ठंड पड़ रही है अरवल साइड, मैं तो सोचा भी नहीं था यार। पटना में तो कुछ है ही नहीं, पटना में तो गर्मी लग रहा है अभी तक यार। लग रहा है दार्जिलिंग वाले रोड में हूँ क्या? आठ बज चुका है गाइस, मेरा थोड़ा गला भी खराब हो गया है, कोई इशू नहीं, बट बहुत ही अच्छा यहाँ पे वाइब मिल रहा है दोस्त। क्या आप जानते हो दोस्त? जानते ही होंगे। इंडिकेटर दे देता हूँ मैं भी, डबल वाला दे दिया ताकि पीछे वालों को पता चले कि आगे गाड़ी जा रही है। कुछ दिख नहीं रहा था गाइस सच में यार, आगे और भी है क्या? देखता हूँ आगे।
ठंड तो है गाइस, घर पे जाऊंगा तब तो ब्लैंकेट में सोना पड़ेगा गाइस। पटना में है बट उतना नहीं है, बट इधर तो फॉग होने लगा है। आप जब इधर आओगे ना तो ये सब गन्ना का जो इधर रखा हुआ है सारा चीज, इधर इसको गुड़ बनाया जाता है जो हम लोग मकर संक्रांति में खाते हैं ना, चूड़े के साथ गुड़ दही, तो इधर गुड़ बनाया जाता है। आपको सामने दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे बनाया जाता है गुड़, और इधर काफी जगह पे बनाया जाता है, तो आप ले सकते हो इधर से। अगर मैं कभी घर गया और किसी को अगर चाहिए तो बता देना, इधर बहुत मिलता है दोस्त और सस्ता भी मिल जाता है। इस साइड देख रहा हूँ गुड़ बन रहा है। तो गाइस अभी फाइनली पेट्रोल चला गया है, मतलब पेट्रोल नहीं बाइक चला गया है ट्रिप एफ में, मतलब रिजर्व में जा चुका है। मैं पहुंच चुका हूं अरवल, ये देखिए ओवरटेक का नतीजा। गाइस सब्सक्राइब करना नहीं भूलना गाइस। आज कुछ अलग ही होने वाला है और अभी चलते हैं अरवल। मैं अभी फाइनली वासिलपुर पहुंचा है, हमारा अरवल शहर। क्या आपने कभी यहां आया है तो कमेंट करके बताओ। मार्केट में तो सुबह से ही भीड़ है, दिवाली का खुशी है, पटाखे छूट रहे हैं। वाओ, पटाखे से स्वागत किया गया हमारा। तो गाइज मैं फाइनली घर पहुंच गया हूँ, तो ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ।